मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9. टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर बी हाइव इंग्लिश बुक लेसन 4, पेज नंबर 46. ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, दिस इज द टॉपिक ऑफ लेसन 4. ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, खूबसूरत दिमाग. एक ट्रूली सत्य ब्यूटीफुल दिमाग माइंड. जीनियस, यू माइट हैव हर्ड द वर्ड जीनियस. जीनियस इज ऑलवेज अटैच्ड विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट हुज नेम इज आइंस्टीन. आइंस्टीन के नाम के साथ जीनियस शब्द जुड़ा रहता है. सो आई विल रीड दिस लेसन बिफोर यू. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? Genius word सुनने पर आप किसका विचार आपके दिमाग में आता है? What qualities do you think a genius has? आप क्या सोचते हो कि एक genius के पास क्या गुण होते हैं, क्या qualities होती हैं? We shall now read about a young German civil servant. हम एक जर्मनी का रहने वाला सिविल सर्वेंट को देखेंगे. हु टूक द वर्ड बाई स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. लगभग 100 साल पहले ये पैदा हुए थे. इन समर 1905. इन द समर 1905. In the summer 1905, the 26-year-old published in quick succession for ground-breaking papers. जब 25-26 साल के थे, इन्होंने पेपर में एक अपना वर्क पब्लिश किया अबाउट लाइट, लाइट के संबंध में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. एनर्जी और मोशन, गति और उनके मास के बारे में इन्होंने पब्लिश किया. हिज वर्क टू कप ओनली ए फ्यू पेजेज इन साइंटिफिक जर्नल. कुछ ही पेज का था, बट चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. स्पेस के बारे में पूरी जानकारी मिली, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस, ब्रह्मांड. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस. और इनका नाम जो है जीनियस के रूप में स्थापित हो गया. 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेंस. 55 साल, 50 years, आज 50 साल बाद भी आइंस्टीन का जो जीनियस क्वालिटी थी वो भी ये आज भी जिंदा है. नाउ वी विल रीड. एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 March 1879 इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म. उल्म सिटी है जर्मनी का, जहाँ पर आइंस्टीन का जन्म हुआ 14 March 1879 को, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. कुछ नहीं पता था वो कैसे हैं. ए साधारण व्यक्ति की तरह उनका जन्म हुआ. ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्री. उसकी मदर ये सोचती थी ये सनकी है, आइंस्टीन सनकी है, क्योंकि इसका हेड जो है बहुत बड़ा था जब पैदा हुआ. इट वॉज टू लार्ज, हिज हेड सीम मच टू लार्ज एट द एज ऑफ 2.5 years. एज ऑफ 2.5 मतलब 2.5 साल, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टेकिंग टॉकिंग. 2.5 साल बीत गया
और आइंस्टीन जो है बात नहीं करते थे, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, बाद में बोलना सीखे, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, हर चीज को दो बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उन्हें पता नहीं था कि मित्रों के साथ हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसलिए इनके जितने भी प्लेमेट थे, खेलने वाले साथी, प्लेमेट्स खेलने वाले साथी, जैसे क्लासमेट है वैसे प्लेमेट है, इनको बोरिंग, ब्रदर बोरिंग इनको नाम दे दिया था, ब्रदर बोरिंग, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, यंगस्टर जो है हिमसेल्फ मतलब अपने से ही खेलते थे। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, ये मैकेनिकल टॉयज को ज़्यादा पसंद करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, शी इज सेड टू हैव सेड, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन, ये हमेशा इनकी जो सिस्टर थी जिसका नाम माजा था उसको देखते थे और फाइन बोलते थे। बट वेयर आर हर व्हील्स, कि उनके पहिए कहाँ हैं, वेयर आर हर व्हील्स, ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। स्कूल में इनके हेडमास्टर ने कहा इनके पिताजी से कि ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, कोई सफलता इनको हासिल नहीं होगी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, जब 6 साल के हुए ही स्टार्टेड प्लेइंग वायलिन, वायलिन एक बाजा होता है, उसको खेलना शुरू किया वायलिन, क्योंकि इनकी मदर चाहती थी कि ये वायलिन खेलें, और बाद में ये इसके इतने शौकीन हो गए, वायलिनिस्ट हो गए, और अपने पूरी जिंदगी भर इसको मेंटेन रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, अल्बर्ट आइंस्टीन एक खराब आदमी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, मुनिच में इन्होंने हाई स्कूल किया, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months old, जब 15 साल के थे तो इनका परिवार मुनिच चला गया, वहीं पर इन्होंने हाई स्कूल किया एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर पाए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसे घृणा करते थे एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, अपने टीचर से ही लड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15, 15 साल में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफ्ट देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट हैड मूव टू मिलन, उनके पेरेंट जो है मिलन में गए एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और बच्चे को जो है अपने आइंस्टीन को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिए। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland. Education in German-speaking इन्होंने स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किया, in a city which was more liberal than Munich. Munich का स्कूल जो था बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल वाला था, लेकिन ये जो स्विट्जरलैंड में था वो थोड़ा सा लिबरल था। आइंस्टीन आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, इनको मैथमेटिक्स अच्छा नॉलेज था एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स,
और फिजिक्स में और मैथ में इनका इंटरेस्ट था एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। ये ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इच्छा जाहिर की बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ वाल्डर्स मोस्टैचू। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग, विज्ञान ही केवल एक ऐसी चीज नहीं था जो इनको अपील किया, ये इनकी फिजिक्स भी अच्छी थी। यहाँ पर आप चित्र देखिए, दिस इज अ फिगर व्हेन ही ऑफ 1900 व्हेन ही वाज 21 ईयर ओल्ड और ये है आइंस्टीन 1955 एज वी रिमेम्बर हिम नाउ, जैसे हम आप आज इनको हम याद करते हैं। ये फिगर इनकी है आइंस्टीन का। नाउ नेक्स्ट He also felt a special interest in the fellow student Mileva Maryk. Mileva Maryk, she was a girl. इनके साथ पढ़ती थी, इसके उनका कुछ लगाव हो गया, special interest, whom he found to be a clever creature. इसको जानते थे बहुत चालाक जंतु है ये Mileva Maryk. This young serf had come to Switzerland बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप। ये चले आए स्विट्जरलैंड इन यूरोप वेयर वुमेन कूड गेट डिग्री। यहां पर दिस यंग सर्व ये Mileva Maryk स्विट्जरलैंड आ गई क्योंकि ज्यूरिच में वॉज वन ऑफ ए फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर महिलाओं को डिग्री मिलती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन अली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, इन्होंने एक एसोसिएट फ्रेंड माना, सा इन हर एन अली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन के प्रति इनका गुस्सा था। दोज पीपुल्स इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड, असमानता। ये फ्रेंड और एन एसोसिएट के खिलाफ इनकी फैमिली रहती थी। लेटर इन विच दे पुट डियर affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be, हम कितने आनंदित होंगे when we both have brought our work on relativity, अगर हम relativity पर अपना काम शुरू करें तो बड़ी खुशी होगी। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. A graduate हो गए 21 साल की उम्र में, an unemployed, बेरोजगार। He worked as a teacher assistant. इन्होंने सहायक अध्यापक के रूप में काम किया। Gave private lessons and finally secured a job in 1902 में जॉब मिला as a technical expert in the patent office in Bern. बर्न में एक ऑफिस था, पैटेंट ऑफिस, जहां पर इन्वेंटर को अधिकार होता है कोई नई चीज खोजे, डिस्कवरी करे। व्हाइल ही वाज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, दूसरे लोगों का इन्वेंशन को सुपरवाइज करते थे, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट। और आइंस्टीन का जो एक छिपा हुआ दिमाग था उस पर भी काम करते थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स पे कुछ काम करते थे अपना प्राइवेट,
वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 में एक पेपर इनका पब्लिश हुआ, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश हुआ, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके कारण टाइम और डिस्टेंस ये एक दूसरे के सापेक्ष नहीं होते, दे आर नॉट रिलेटिव अकॉर्डिंग टू विच इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टूगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, अगर दो घड़ी हैं अगर चलें तो एक समान टाइम नहीं दे सकती, वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, दूसरे के सापेक्ष जो है एक तेज चलती है एक धीमी हो जाती है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, यही थीम थी जो उनके दिमाग में था कि दो चीजें ऐसी नहीं हो सकती। इन्होंने मास और एनर्जी का एक फार्मूला बनाया, E=mc2, इन दिस E=mc2, इन इसमें E जो है इट स्टैंड फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, सी द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड 300,000 km/s। वेन यू सिट, ये आइंस्टीन ने कहा है, वेन यू सिट विथ ए नाइस गर्ल फॉर 2 hours, अगर 2 घंटे के लिए किसी अच्छी लड़की के साथ आप बैठ जाइए, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, ये लगता है 2 मिनट का समय बीता है, 2 घंटे 2 मिनट लगता है। वेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट, अगर गर्म स्टोव पर आप 2 मिनट बैठ जाइए, इट सीम्स लाइक 2 hours, ये 2 घंटे के बराबर हो जाता है, ये आइंस्टीन की थिंकिंग थी। नाउ व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, फिजिक्स में जब वो एक कठिन समस्या पे काम कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनवेलिंग, इनका प्राइवेट लाइफ जो है वो फेल होना शुरू हो गया। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट, मिलेवा के साथ शादी करना चाहते थे आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, कि माँ जो है उसके खिलाफ थी, सी थाट मिलेवा हु वाज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी कि मिलेवा जो है हमारे बच्चे से आइंस्टीन से 3 साल बड़ी है। सी वाज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, वह मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी दुखी थी। शी इज ए बुक लाइक यू, वो तुम्हारे लिए किताब है, हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए आइंस्टीन ने वो शादी नहीं की। 11 पॉइंट है, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 2003 में उसी से शादी हुई, एंड हैड 2 sons, 2 बच्चे थे, बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड मिलेवा, ये इनका मैरिज जो है कमजोर हो गई। मीन वाइल ही लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अपने इंटेलेक्चुअल एम्बिशन को खो रहे थे, एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, ये अनहैप्पी हाउसवाइफ हो गई मिलेवा, इनकी औरत जो थी, आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 में इनका डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन इल्सा से शादी किया उसी साल आइंस्टीन ने, इल्सा से पहले मिलेवा से किया था फिर इल्सा से किया। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम इन 1915, इन्होंने 1915 में अपना पेपर पब्लिश किया, ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी,
को पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक नया इन्होंने इंटरप्रिटेशन दिया। एन इक्लिप्स ऑफ द सन, जो सूर्य ग्रहण लगता है 1919 में, ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। उससे लगा कि इनका जो थियरी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड। जो लाइट है ये कब जो है अपना मार्ग बदलती है, थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। उस समय पेपर में एक वैज्ञानिक रिवोल्यूशन, क्रांति के रूप में इनका ये काम चारों तरफ प्रचारित हुआ। आइंस्टीन रिसीव्ड ए नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 में इन्होंने नोबल प्राइज प्राप्त किया। ही वॉज सावर्ड विथ ऑनर एंड इन्विटेशन, इन्हें काफ़ी सम्मान मिला, इन्विटेशन मिला ऑल ओवर वर्ल्ड से, एंड लाउडेड बाई द प्रेस, और प्रेस के द्वारा इनकी काफ़ी तारीफ हुई। When the Nazis came to power in Germany, 1933 में जब नाजीर जो है पावर में आया, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड स्टेट चले गए अमेरिका। 5 years later, 5 साल के बाद ही द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। इन्होंने न्यूक्लियर फिशन पर काम किया और काफ़ी इसकी चिल्लाहट हुई, अपरोर। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म, और उस समय जो है फैसिज्म मतलब नाजिस जो रूलर हुआ जर्मनी का, उससे परेशान होकर के नाउ दे आर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। उन्होंने सोचा कि नाजिस जो है ये एटॉमिक बम बनाएगा और बना सकता है, इसलिए काफ़ी इनके दोस्तों ने छोड़ करके अमेरिका चले गए। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, को एक लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। इन्होंने एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, इन विच ही वार्न ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप। उन्होंने कहा कि एक इस तरह का बम एक एयरपोर्ट को उड़ा सकता है। वेरी डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टूगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। सराउंडिंग टेरिटरी और एयरपोर्ट को उड़ा सकता है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनका जो कहना था वो सत्य हुआ। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम। अमेरिका वालों ने एटॉमिक बम बनाया सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत, एंड ड्रॉप इट एट जापानीज सिटीज। जापान की सिटी पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर इन्होंने बम गिरा दिया 1945। उसमें आइंस्टीन जिंदा थे। आइंस्टीन वाज डीपली शॉकन। आइंस्टीन को काफ़ी दुख हुआ इस डिस्ट्रक्शन को देख करके। दिस टाइम ही रोट पीपल मैस्यू टू यूनाइटेड नेशंस। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव। इन्होंने लॉन्ग एंड ऑफिशियल एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस के लोगों के लिए। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी।
इन्होंने कहा कि ये बम जो है ये पीस और डेमोक्रेसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। व्हेन आइंस्टीन डाइड 1955 में डाइड हुए एट द एज ऑफ 76 ही वाज डेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। ये वर्ल्ड सिटीजन दुनिया के सिटीजन और साइंटिफिक जीनियस के रूप में इनको हम पूरी दुनिया जो है मानती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन। रेस्टिंग आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।